अगर आपका स्कोर 450 से कम है सो आई फील यू नीड कोचिंग और उससे क्या होगा आपका जो व्हेन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन अंडर गाइडेंस अंडर सावंस गाइडेंस तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो सिस्टमिक हो जाती है ठीक है तो फॉर दैट रीज़न मैं आपको बोलता हूँ कि अगर फोर से कम है तो कोचिंग लो ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी आपकी मर्जी है नाउ द सेकेंड पॉइंट इज जो हंड्रेड से जिनका स्कोर ज़्यादा है तो उनको uh, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप खुद ही पढ़ो बट द थिंग इज़ कि अगर वो ज, ज, मतलब जो भी टेस्ट सीरीज़ सबसे पहले निकलेगी दे शुड ज्वाइन दिस क्योंकि देखो आपको पता है नीट का सिलेबस बहुत ज़्यादा है ठीक है जो अब जो घर पे पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा बर्डन सा लगता है और उनको लगता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है अब अगर वो किसी टेस्ट सीरीज को ज, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें तो वो अपने उस सिलेबस को शुमाल शुमाल टारगेट्स में डिवाइड कर देता है सो so, उससे उनकी प्रिपरेशन जो है वो भी सिस्टमिक हो जाती है और कंसिस्टेंसी मेन्टेन करना आसान हो जाता है सो फॉर दोज स्कोरिंग लेस देन फोर और दे शुड टेक कोचिंग एज जिनका स्कोर 450 से ज़्यादा है आई डोंट थिंक उनको कोचिंग की ज़रूरत है स्टिल उन पर उन तक uh, जो है उन पर डिपेंड करता है एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि देखो जैसे मैंने इससे पहले वीडियोस में भी आपको बोला था अब आपके पास uh, दस महीने तो है ही प्रिपरेशन के लिए तो अब आपको क्या करना चाहिए अब आपको स्टार्ट करना चाहिए गिविंग मोर टाइम टू फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री पहले भी मैंने आपको बोला था कि फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए मास्टर करने के लिए टाइम लगता है तो अभी आपके पास है तो अगर पहले 5 महीने आप ज्यादा टाइम फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को दो इन कंपैरिजन टू बायो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक उसके बाद जो लास्ट के 5 महीने में महीने हैं उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और बायो को ज्यादा टाइम दोगे तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो बेटर होगी क्यों क्योंकि जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और बायो है वो बार-बार भूल बार जाती है इंसान को तो उन, उसको थोड़ा एंड में रख के उस वहाँ पे ज़्यादा रिविजन करना बेटर है और जो फिज़िक्स और फिजिकल केमिस्ट्री है जिसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी चेक होती है उसको पहले ज़्यादा टाइम दे के मास्टर करना और एंड में थोड़ा ब्रेशअ अप करना पड़ता है वैसे आपको जो है प्रिपरेशन फेज़ आसान होगा सो अगेन आई सजेस्ट गिव मोर टाइम टू फिज़िक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री इन दिस स्टार्ट ठीक है एंड नाउ द थर्ड क्वेश्चन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बच्चों ने पूछा था कि हमने दो तीन ड्रॉप्स लिए हैं अब क्या हमें और ड्रॉप लेना चाहिए जिसमें भी एडमिशन जो भी ब्रांच मिल रही है जो भी कोर्स मिल रहा है हमको वो लेना चाहिए सबसे पहले मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि आप डिसाइड कर लो कि आप एम क्यों करना चाहते हो अगर आपको बचपन से शौक़ है अगर आप शुरू करना चाहते हो अगर आपको लगता है रेप्यूटेड प्रोफेशन है तो ठीक है लो लोड्रॉप आप, आपकी मर्जी है बट एक चीज़ मैं आपको रियलिटी चेक देना चाहता हूँ जो अलेवंथ ट्वेल्थ में ग्लैमर लगता है एमबीबीएस में कॉलेज में आके वो सब खुश हो जाता है और यहाँ पे मतलब इंसान वो तो पहले फर्स्ट ईयर में थोड़ा डिप्रेशन फेज में चला जाता है क्योंकि अलेवेंथ ट्वेल्थ में जो भी इंसान ने सोचा होता है ग्लैमर इस एम का वो वैसा कुछ नहीं होता है ठीक है फिर लगने लगता है कि इट इज जस्ट लाइक अनदर डिग्री सो जो भी ड्रॉप लेना चाहता है अपना साल मतलब इसके लिए प्रिपरेशन के लिए कुर्बान कर रहा है उसको पहले ये सब चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए कि उसके बाद ही वो डिसाइड करे क्या उसको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए सो विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो So Allah Hafiz uh, best of luck